हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही यम्मी टू फ्लेवर टिफिन केक और इसमें वनीला एंड चॉकलेट दोनों का ही फ्लेवर है फ्रेंड्स, जिसके कारण केक काफ़ी ज़्यादा यम्मी बनने वाला है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए फटाफट इस टू फ्लेवर टिफिन केक को बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें टिफिन बॉक्स को रेडी कर लेना है। तो इस तरह का मैंने यहाँ पे स्टील का टिफिन बॉक्स लिया, इसमें हमें ऑयल लगा के अच्छे से ग्रीस कर लेना है। अगर आपके पास इस तरह का केक टिन है तो आप केक टिन भी ले सकते हैं और इसमें हम बटर पेपर डाल देंगे और बटर पेपर के ऊपर भी हमें ऑयल लगा के ग्रीस कर लेना है ताकि केक को निकालने में आसानी हो, आसानी से केक निकल जाए। उसके बाद ये हमारा टिफिन बॉक्स रेडी हो चुका है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। इसके बाद हम एक मिक्सिंग बोल में डालेंगे आधा कप के बराबर दूध। उसके बाद हम साथ ही में 1 टेबल स्पून व्हाइट विनीगर डालेंगे। अगर आपके पास व्हाइट विनीगर नहीं है फ्रेंड्स तो आप 1 टेबल स्पून नींबू का रस डाल सकते हैं। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे करीब 1 कप के बराबर पाउडर शुगर और डालने के बाद हम इसे मिला देंगे। आप शुगर को अपने मिठास के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं थोड़ा बहुत। उसके बाद हम इसमें साथ में डाल देंगे 1/4 कप के बराबर रिफाइंड ऑयल और कुछ बूंद फ्लेवर के लिए वनीला एसेंस डाल देंगे। सभी को हम अच्छे से मिला देंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 कप के बराबर गेहूं का आटा लिया है फ्रेंड्स, आप चाहे तो मैदा भी ले सकते हैं इसके जगह पे। उसके बाद साथ ही में हम डाल देंगे आधा कप के बराबर मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से टेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा फ्रेंड्स। अगर आपके पास कंडेंस्ड मिल्क है तो आप मिल्क पाउडर की जगह पर कंडेंस्ड मिल्क भी डाल सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको चीनी का क्वांटिटी घटाना पड़ेगा क्योंकि कंडेंस्ड मिल्क में ऑलरेडी चीनी होता है। उसके बाद हम इसे अच्छे से एक ही साइड से मिलाते जाएंगे और देखिए फ्रेंड्स, बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए और जब हम गिराएं तो ये इस तरह से रिबन की तरह गिरना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा पतला बैटर नहीं करना है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, बैटर की कंसिस्टेंसी पर खास ध्यान रखना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया है 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर डालने के बाद इसे अच्छे से मिला देना है और हम इसे जल्दी से टिफिन बॉक्स में डाल देते हैं। तो हमें सबसे पहले आधा बैटर डालना है, पूरा नहीं डालना। उसके बाद हम आधा में डालेंगे कोको पाउडर। अब हम इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून कोको पाउडर, जिसके कारण इसमें चॉकलेट फ्लेवर आ जाएगा। अगर आपके पास मेल्टेड चॉकलेट है तो साथ में आप इसमें मेल्टेड चॉकलेट भी डाल सकते हैं। उसके बाद इसे जल्दी से मिला देते हैं। इसके बाद हम ऊपर से इसमें चॉकलेट का फ्लेवर डालेंगे, इस तरह से चॉकलेट वाला बैटर को डाल देंगे ऊपर से। उसके बाद हम 1 चम्मच से इसे इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है, इस तरह से हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, बस इस तरह से आपको हल्के हाथ से थोड़ा सा मिला देना है। उसके बाद हम इसे टैप कर लेंगे ताकि एयर बबल्स निकल जाए। यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर को मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया है। सबसे पहले हमें नमक डाल के फैलाना है, उसके अंदर स्टैंड रख देना है। उसके बाद ये कुकर प्रीहीट हो चुका है अच्छे से। उसके बाद इसके अंदर टिफिन बॉक्स रख देंगे और यहाँ पर मैंने सीटी को निकाल दिया है फ्रेंड्स, तो आप सीटी और रबड़ दोनों को निकाल दें। उसके बाद इसे एकदम लो फ्लेम पर 30 मिनट के लिए बेक कर लेना है और यहाँ पे 30 मिनट हो चुका है फ्रेंड्स। तो चलिए केक चेक कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, केक हमारा काफ़ी अच्छे से बेक हो चुका है और ये साइड को भी छोड़ दिया है। आप चाहे तो यहाँ पे टूथपिक डाल के भी चेक कर सकते हैं। अगर आपका टूथपिक गीला आ रहा है तो आप उसे 5 से 10 मिनट के लिए और बेक कर सकते हैं। थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे हो सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि सभी के गैस के फ्लेम अलग अलग होते हैं। अब हम इसे निकाल के कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे। जब ये कम्प्लीटली ठंडा हो जाए उसके बाद नाइफ से इस तरह से हमें इसके साइड को अलग कर लेना है ताकि ये आसानी से डिमोल्ड हो जाए। इसके बाद मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। इसके बाद हम मैं इसे फिनिश लुक देने के लिए साइड्स को कट करके मैं निकाल देती हूँ। आप डायरेक्टली इसे कट कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें कितना बढ़िया इसमें टू फ्लेवर आया है, बहुत ही अच्छी हमारी केक बनी है। इसमें चॉकलेट एंड वनीला दोनों का भी फ्लेवर आएगा, तो आपको ये बहुत पसंद आएगा, तो आप भी इसे घर पे बना के ट्राई कीजिएगा। अब हम इसे फाइनली कट करेंगे बीच से, जिस तरह का टिफिन बॉक्स टिफिन केक होता है उस तरह से हमें कट कर लेना है। तो अब मैं इसे इस तरह से छोटे पीसेस में कट कर लेती हूँ। देखिए, आपको कटने से ही पता चल रहा होगा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी हमारी केक बनी है। और ये हमारी टिफिन केक सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो आप भी इसे घर पे बना के ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, ये बच्चों को बहुत पसंद आएगा और ये बनाना भी बहुत ही आसान है।
और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।